झाबुआ की सिद्धेश्वर कॉलोनी में जगदीश जोशी के घर से चोर रात में एक पानी की मोटर और सिलाई मशीन चुरा कर ले गए। पीड़ित जगदीश जोशी ने बताया, पिछले काफी समय से सिद्धेश्वर कॉलोनी में चोर सक्रिय हैं। शुक्रवार रात को भी चोर आए और मेरे घर से एक पानी की मोटर और सिलाई मशीन चोरी कर ले गए। कुछ समय पहले भी चोरों ने एक घर पर चोरी के उद्देश्य धावा बोला था और टंकी चुरा कर ले गए थे। सिद्धेश्वर कॉलोनी में पुलिस द्वारा गश्त तो की जाती है, लेकिन कॉलोनी वासियों का कहना है, पुलिस अपनी सक्रियता और बढ़ाए तो चोरों का आतंक खत्म हो सकता है और शहर के रहवासियों को भी चोरी के भय से मुक्ति मिलेगी। शहर के बीचों बीच स्थित सिद्धेश्वर कॉलोनी में चोरी की वारदात होने से लोगों में भय का माहौल है। कई लोगों के वाहन घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाए और चोरों को पकड़कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएं। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या कल चोरी हो गई क्या? हाँ, रात को जो है ये यहाँ से जो सिलाई मशीन रखी हुई थी, ये सिलाई मशीन का मुंह निकाल के ले गए और जो दरवाजा का ताला तोड़ ताला लगवा रहा था, ताला तोड़ दिया पूरा। और हाँ, ये ताला तोड़ दिया। और ये इधर यहाँ पे जो मोटर रखी हुई रहती है, जो पानी की मोटर, टुल्लू मोटर रखी हुई थी, टुल्लू मोटर भी ले गए। और कुछ पता नहीं चला था, हमने तो रात को ताला वाला सब लगा के सोए थे जो। अच्छा। और पहले भी इधर मोहल्ले में चोर और आए क्या? हाँ, पहले भी जो आए थे, जो चोर इधर पास में आए थे, टंकी उनकी जो ले गए थे। तो रिपोर्ट वगैरह करी आपने? रिपोर्ट आप करेंगे जाके, जो रिपोर्ट करना है। अच्छा, क्या नाम आपका? जगदीश जोशी, किराने दुकान है। अच्छा।